हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी। हमने हिंदी का पांचवा पार्ट शुरू किया था, फर्स्ट इससे पहले के वीडियो में हमने किया था पांचवा पार्ट, जो कि कविता थी हिंद देश के निवासी। उसमें उस कविता का भावार्थ मैंने समझाया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और इस पाठ्यपुस्तक में दिए हुए कुछ ग्रामर पोर्शन को करेंगे। ग्रामर पोर्शन में हमें सर्वनाम समझाए गए हैं, तो उसे सर्वनाम को समझाने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइजेस पहले करनी हैं और उन्हें करते करते हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पे पहुंचेंगे, सर्वनाम पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोष्ठक में जो शब्द समानार्थी नहीं हैं उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पंथ, राह, पैर, रास्ता। पंथ, राह और रास्ता तीनों का अर्थ एक ही होता है। तीनों रास्ता बताने वाले, तीनों को पंथ, राह या रास्ता कहा जाता है। और पैर इसमें अलग है तो हम उसे गोला कर देंगे। कुसुम, पुष्प, फूल, कांटा। इसमें कांटा शब्द अलग है, कुसुम, फूल, पुष्प सब फूलों को ही कहा जाता है। आम, अनूठा, अनोखा, निराला। अनूठा, निराला, अनोखा सबका एक ही मीनिंग है, लेकिन आम शब्द अलग हो जाता है। मनुष्य, जन, मानव, स्त्री। स्त्री शब्द इसमें अलग हो जाता है क्योंकि मनुष्य, जन और मानव एक ही हैं। अभी इसमें इन्होंने कहा है कि समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। मैं जब इस का PDF भेजूंगी, वर्कबुक का, उसमें मैंने इसके वाक्य प्रयोग समझाए हैं, लिखे हैं, तो आप उस समय इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। भाषा सज्जता। प्रियंका, मीना आज तुम चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना? मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता। आप इन मीना प्रियंका के संवादों को ध्यान से सुनिए। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया, उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज, खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूँगी। अब आप बताइए। देखिए, मैंने इसमें कहा कि हम लोग दो लोगों के बीच के संवाद की बात कर रहे हैं। इसमें दो लोग हैं जो डायलॉग बोल रहे हैं, उसमें प्रियंका और मीना, और जिसके बारे में उन्होंने बात की है तीसरा, वो है व्यक्ति सीमा मौसी। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटने के लिए कहा गया है। तो व्यक्तिवाचक हम पहले पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? प्रॉपर नाउन, स्पेशल नेम होते हैं जो। तो इसमें हमें तीन नाम दिखाई दिए, प्रियंका, मीना, सीमा। अब इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। अब इन डायलॉग्स को एक बार आप वापस देखिए। प्रियंका कहती है, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? तो मीना के लिए उसने क्या शब्द यूज़ किया? तू। तो ये मीना के नाम की जगह यूज़ हुआ है तू शब्द, तो उसे हम नोट कर लेंगे। मीना क्या कह रही है? नहीं मेरा मन नहीं लगता। तो मीना ने अपने लिए क्या वर्ड यूज़ किया? मेरा। तो मेरा वर्ड हम चूज़ कर लेते हैं, प्रियंका। अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो। अब प्रियंका ने मीना के लिए एक नया वर्ड यूज़ किया, वो क्या है? तुम। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। अब मीना ने अपने लिए और कौन से वर्ड यूज़ किए हैं? मैं और मुझे। प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी। तो मीना के लिए मैं वर्ड यूज़ हो रहा है। तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया, उन्होंने माँ से शिकायत की। अब उन्होंने किसके लिए यूज़ हुआ है? सीमा मौसी के लिए, क्योंकि मीना सीमा मौसी की बात कर रही है कि उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका का डायलॉग, अब समझी तेरी उदासी का राज, खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना,
आपकी बात बिल्कुल सच्ची है। अब आप वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ? प्रियंका के लिए, क्योंकि मीना प्रियंका से कह रही है कि आपकी बात बिल्कुल सच्ची है। अब मैं ध्यान रखूँगी, मैं किसके लिए यूज़ हुआ? मीना के लिए। तो अब आपने इन शब्दों को ध्यान से सुना जो मैंने अभी बोले, आप, मैं, मुझे, मेरी, ये सब आपने सुन लिया ध्यान से। अब हम इनका प्रयोग किस तरह होता है वो बताएंगे। उपर्युक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है प्रॉपर नाउन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें व्यक्तिवाचक में आ गया प्रियंका, मीना, सीमा। इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। तो प्रियंका के लिए यहाँ किस वर्ड का प्रयोग हुआ? आप। मीना ने कहा था आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, तो आप वर्ड यूज़ हुआ प्रियंका के लिए। मीना के लिए तू, मेरा, मैं, मुझे, तेरी, ये सारे वर्ड्स मीना के लिए यूज़ हुए हैं। सीमा मौसी के लिए एक ही वर्ड यूज़ हुआ, उन्होंने। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वर्ड नेमिंग वर्ड्स मीन स्पेशल नेम्स प्रियंका, मीना और सीमा मौसी के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो ऐसे नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो अब ये सर्वनाम की परिभाषा कैसे होगी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ में आई आपको? ओके स्टूडेंट्स, अब आप सर्वनाम की परिभाषा तो समझ गए। क्या परिभाषा है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप, उसने, तेरी, मेरी, ये सब सर्वनाम हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत में इसके दो भेद जानेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब हम बातचीत करते हैं तो कभी हम अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, श्रोता मतलब सुनने वाले के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मैं, हम, मुझे, हमें, ये सब उत्तम पुरुष, मतलब जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं इसमें उत्तम पुरुष कहलाऊँगी। अगर हम दो लोग बोल रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष में आ जाएंगे, बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन, जो सुन रहा है मेरी बात को। जैसे तू, तुम, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो तो आप आ गए मध्यम पुरुष में, सेकंड पर्सन। और अन्य पुरुष, वह, वे, उसे, उन्हें, मतलब जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रथम पुरुष जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष जो जिससे बात हो रही है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीन भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा उन जिनसे निजत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध मतलब जो अपने बारे में बता रहा है, जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें स्ट्रेस किस बात पे है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। वह आप ही चला गया, तो आप अपने आप चला गया, किसी को कहना नहीं पड़ा, तो आप ही चला गया। मैं अपने आप पढ़ लूँगा मीन्स मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तो अपने आप। वे खुद चले गए, तो इसमें खुद क्या कहलाएगा? वे खुद ही चले गए, किसी के कहने से नहीं गए। तो ये सब क्या आ जाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जो काम हम स्वयं करते हैं, अपने आप करते हैं, खुद करते हैं, वो सब निजवाचक सर्वनाम में एम्फेटिक प्रोनाम, ये आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा, निजवाचक सर्वनाम उन्हें कहा जाता है। अब हमने समझ लिया कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होता है। तो जो प्रथम पुरुष होता है या उत्तम पुरुष होता है उसे बोलने वाला कहा जाता है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, मतलब आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो सुनने वाला मध्यम पुरुष। और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसे अन्य व्यक्ति के नाम से सूचित किया जाएगा। अब वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें छांट कर
लिखिए, मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो इसमें बल्ले मुझे क्या है, मैं, हम, मुझे, ये सब बोलने वाले प्रथम पुरुष में आ जाएंगे, तो बोलने वाले। हम मैच जीत गए, हम, ये भी प्रथम पुरुष में आ जाएगा, बोलने वाले। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तुम, जिसके बारे में, जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो तू, तुम, ये सब किस में आ जाते हैं, सुनने वाले में। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी, सुनने वाले में आ जाएगा ये भी। वह कैप्टन है, तो वह कौन हो गया, कैप्टन, अन्य व्यक्ति, हम क्योंकि तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वह शब्द अन्य व्यक्ति। उसने एक लंबा छक्का लगाया, तो उसने, ये भी किस में आ जाएगा, अन्य व्यक्ति में। वह, उसने, आप, ये सब किस में आ जाते हैं, अन्य व्यक्ति में। अब अगला क्वेश्चन आता है, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर बॉक्स में लिखिए। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो स्वयं, स्वयं खुद के लिए उसने प्रयोग किया है, तो इसलिए स्वयं वर्ड इसमें चुनेंगे। सेकंड, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो कैसे जाऊंगा, अपने आप, तो अपने आप निज के लिए आया है, खुद के लिए आया है, तो इसलिए इसमें हमारा वर्ड होगा अपने आप। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से इसको, इस चीज़ को समझ लिया होगा। अभी हम सर्वनाम का शुरुआत कर रहे हैं और उसमें हमने दो ही भेद पढ़े हैं। इसके बाद आगे आगे जैसे नए लेसन बढ़ेंगे, हम सर्वनाम के बारे में और भी भेदों को पढ़ेंगे, तो तब तक आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और अपनी नोटबुक में सर्वनाम की परिभाषा और ये इन एक्सरसाइजेस को कर लीजिए। ओके, थैंक यू।